इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरीके से आपको इजी सेटअप बनाना है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ और विंडो, इंपॉर्टेंट विंडोज होती हैं जिसमें आपको काम करने के लिए उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। सबसे पहला होता है ब्राउजर विंडो, जहां पर आपने अब तक फुटेज इंपोर्ट की थी। इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इस पार्ट में आपको उसके बारे में हम बता रहे हैं। फाइनल कट प्रो प्रोजेक्ट फाइल की तरह कार्य करता है, जैसे वर्ड एक्सेल की फाइल। प्रोजेक्ट फाइल मीडिया फाइल से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सैकड़ों कट छोटी छोटी क्लिप्स का प्रयोग किया जाता है। जब आप प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो उसमें मीडिया फाइल शामिल नहीं होती है, वह केवल उसका रेफरेंस का प्रयोग करता है। फाइल कटों में प्रयोग की जाने वाली फाइल एक तरह से हार्ड डिस्क में मौजूद मीडिया फाइल की वर्चुअल वर्जन होती है। जब हम फाइल कटों में काम करते हैं तो उसकी मूल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं आता। ब्राउजर में हम रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं। रॉ और फाइलों को मैनेज करना भी विंडो का काम। ब्राउजर विंडो को हम जब लोअर राइट कॉर्नर से पिक करके बड़ा करते हैं तो हमारे सामने ओपन होते हैं कॉलम। क्लिप की फाइल की सूचना इसके कॉलम्स में दी रहती है। आप इसे कॉलम्स में जा करके मीडिया फाइल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। कॉलम एरिया में वीडियो से रिलेटेड, मीडिया फाइल से रिलेटेड या मीडिया कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे हमें उसके टाइप, उसके साइज, उसके कंप्रेशर, उस ऑडियो फॉर्मेट के बारे में जानकारी मिलती है। ड्यूरेशन, उस क्लिप की ड्यूरेशन क्या है, इन पॉइंट, आउट पॉइंट, मीडिया स्टार्ट पॉइंट, टाइम कोड, ऑडियो क्वालिटी, फ्रेम साइज, कंप्रेशन, डाटा रेट आदि की जानकारी मिलती है। इन कॉलम्स की सीक्वेंस को भी हम बदल सकते हैं पिक एंड ड्रॉप की सुविधा द्वारा। जिस कॉलम को हम आगे पीछे करना चाहते कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को बड़ा या छोटा किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। यदि कोई इंफॉर्मेशन कॉलम के साइज के कारण यदि कोई इंफॉर्मेशन छिप रही है तो आप इस कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। जिस कॉलम को बड़ा होने की आवश्यकता नहीं इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। यदि कोई कॉलम की आपको आवश्यकता है कि वो सबसे पहले आना चाहिए तो उस कॉलम को उठा करके आप सबसे पहले रख सकते हैं। यानी कॉलम के सीक्वेंस में, कॉलम के साइज में, कॉलम की इंफॉर्मेशन को देखने में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यहाँ तक कि कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं और रिवील भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए उस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें और हाइड कॉलम करें। अब आप देखेंगे इन कॉलम गायब हो गया है। दोबारा उसको लाने के राइट क्लिक करें और शो इन पे क्लिक करें। अब आप देखें वापस इन कॉलम आ गया है। अब इंटरफेस को सही करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करें, जिससे कि आपका इंटरफेस एक डिफॉल्ट रूप में आ जाए। ब्राउजर में सबसे पहले नेम कॉलम दिखाई पड़ता है, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ब्राउजर फाइल में किसी भी फाइल को रिनेम किया जा सकता है। इसमें फाइल को रिनेम करने के सबसे पहले किसी फाइल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोबारा से उसी फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स आएगा। रेक्टेंगल बॉक्स में नया नाम टाइप करें। नया नाम टाइप करने के बाद आप चाहें तो रिटर्न की प्रेस कर सकते हैं या किसी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर सकते हैं या किसी दूसरी फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि रिनेम करने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आप देखेंगे प्रत्येक नए नाम को ब्राउजर बहुत जल्दी अपडेट कर देता है। यदि फाइल देखने का ऑर्डर बदलना है तो आप नेम फील्ड में मौजूद ट्रायंगल पे क्लिक करके उसके नाम के ऑर्डर को बदला जा सकता है। लोग बिन को सभी लोग फोल्डर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण तीन प्रकार से किया जाता है। फाइल मेनू में न्यू ऑप्शन में बिन पे क्लिक करके किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है फाइल मेनू में न्यू ऑप्शन में बिन का चुनाव करें। दूसरा तरीका है कमांड के साथ बी का। तीसरा तरीका है ब्राउजर में राइट क्लिक करके न्यू बिन का चुनाव। आप इन बिन का नाम अपनी आवश्यकता अनुसार रीनेम कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, पहले बिन को सेलेक्ट करें, दोबारा से क्लिक करें, रेक्टेंगल बॉक्स आएगा, आप आवश्यकता अनुसार इसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो 3 का नाम देते हैं वीडियो, बिन 5 का नाम देते हैं ऑडियो। ब्राउजर में किसी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी की आवश्यकता हो तो सबसे पहले उस फाइल को सेलेक्ट करें और एडिट मेनू में जाकर के डुप्लीकेट ऑप्शन का चुनाव करें या ऑप्शन डी का प्रयोग। आप देखेंगे उस क्लिप का एक डुप्लीकेट फाइल भी
वहीं पे बन जाएगी। किसी आइटम को ब्राउजर से डिलीट करने के लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। ब्राउजर विंडो के टेक्स्ट को बड़े साइज में देखने के लिए राइट क्लिक करें, टेक्स्ट साइज जा करके इसके स्मॉल या लार्ज किया जा सकता है। ब्राउजर विंडो में टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाता है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहें उतना इसको रख सकते हैं। ब्राउजर की फाइलों को आइकन व्यू में देखने के लिए राइट क्लिक करें और आपके सामने व्यू इज स्मॉल आइकन, मीडियम आइकन या लार्ज आइकन में इनको देखा जा सकता है। ब्राउजर के प्रोजेक्ट टैब में सभी फाइलों को रखा जाता है जिनका प्रयोग हम एडिटिंग के समय करते हैं, जैसे सीक्वेंस, वीडियो क्लिप, स्टिल इमेज एंड ऑडियो आदि। इन सभी फाइलों को हम रीनेम कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ब्राउजर विंडो के इफेक्ट टैब में फेवरेट्स, वीडियो ट्रांजिशन, वीडियो फिल्टर, वीडियो जनरेटर, ऑडियो ट्रांजिशन, ऑडियो फिल्टर एंड मास्टर टेम्पलेट मौजूद रहती है। इस विंडो के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नंबर एक, लॉगिन बिन। लॉगिन बिन की पोजीशन से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे द्वारा कैप्चर किया गया वीडियो ब्राउजर में किसी बिन में जा रहा है या रूट पे जा रहा है। यदि हम ये चाहते हैं कि कैप्चर किया गया वीडियो किसी बिन में जाए तो इसके लिए सबसे पहले हमें बिन का निर्माण करना होगा। बिन का निर्माण करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा सेट लॉगिन बिन, इस पर क्लिक करेंगे। सेट लॉगिन बिन करने के बाद आप देखेंगे कि लॉगिन बिन का आइकन बिन 7 के सामने आ गया है। इसका मतलब यह है कि यदि हम इस कंडीशन में कोई भी वीडियो कैप्चर करते हैं तो कैप्चर किया गया वीडियो लॉगिन बिन के अंदर जाएगा, और यदि हम दोबारा चाहते हैं कि लॉगिन बिन का आइकन रूट पे चला जाए, ब्राउजर में चला जाए, तो राइट क्लिक करके सेट लॉगिन बिन पे क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि लॉगिन बिन का आइकन नेम कॉलम पे चला गया है। इसका मतलब यह है कि यदि हम इस कंडीशन में कोई वीडियो कैप्चर करते हैं तो कैप्चर किया गया वीडियो सीधे ब्राउजर में जाएगा, ना कि किसी स्पेसिफिक बिन में जाएगा। बिन में रखना है तो उस बिन पे राइट क्लिक करेंगे, सेट लॉगिन बिन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि सेट लॉगिन बिन उस बिन के आइकन के सामने आ गया है। इसका मतलब है इस कंडीशन में किया गया कैप्चर बिन 7 के अंदर है। नंबर टू, प्रोजेक्ट टैब। प्रत्येक प्रोजेक्ट जो कि FCP में ओपन होता है ब्राउजर विंडो में एक टैब की तरीके से दिखाई देता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैब प्रोजेक्ट है? यदि कोई टैब प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो उस प्रोजेक्ट टैब में उसका एक नाम होता है और उस पर एक आइकन होता है। प्रोजेक्ट टैब से हमें यह पता चलता है प्रत्येक प्रोजेक्ट ब्राउजर विंडो में एक टैब की तरीके से दिखाई देता है। ओपन टैब्स की संख्याओं से भी मुझे पता चल सकता है कि इस समय हमने कितने प्रोजेक्ट ओपन किए हुए और कौन सा टैब प्रोजेक्ट टैब है। इसके लिए उस टैब में एक आइकन बना रहता है, इस आइकन से पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट टैब है, जबकि अन्य टैब में ये आइकन उपलब्ध नहीं होता है। एक्टिव प्रोजेक्ट टैब से ही हमें पता चलता है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वीडियो फाइल किसी भी मीडिया प्रोजेक्ट में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, जिनका आइकन एक स्टिल इमेज से मिलता जुलता होता है फिर भी अलग दिखाई देता है। स्टिल इमेज ये प्रोजेक्ट में इंपोर्ट की गई स्टिल इमेज का आइकन है जो वीडियो या सीक्वेंस के आइकन से अलग होता है। इसमें ABC लिखा हुआ होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये स्टिल इमेज है। सीक्वेंस को हम लोग टाइमलाइन भी कहते हैं, जिनकी संख्या आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा घटा सकते हैं।